गुरुजी, जिन जिन का सामान था उन सबको पूर्ण रूप से लौटा दिया है। जो गांव से लेकर गया था वो सब लौटा कर आया हूँ। बाकी जिन जिन का बचा है उन्हें आप दे दीजिए। ठीक है बेटा, उतारो उतारो, नीचे उतारो उतारो। हाँ, आराम से आराम से आराम से आराम से जाना, चलो निकलो, जा जा, हाँ ले जाओ ले जाओ, हाँ संभालो संभालो संभालो, चलो चलो चलो, हाँ हाँ दो उनको, दो उनको दो, लेकर चलो लेकर चलो। बहुत भारी है, होशियारी से होशियारी से, देखो गिर न जाए। संभाल कर संभाल के संभाल के, अच्छे से आराम से आराम से आराम से, देखना भारी है, हाँ रखो ठीक से ठीक से, आराम से आराम से आराम से। इतना वजन लग रहा है, क्या है इसमें? जरा इसे खोलो, खोलो। लगान और पैसे नहीं दिए तो सैनिकों ने धमकी दी कि महल में चलकर तुझे दासी बना देंगे। मुझे इसमें डाल के ले जा रहे थे और इतने में आप लोग। आपका गांव कौन सा है? मैं छोड़ के आ जाऊंगा। मेरे माँ बाप नहीं है, आप मुझे गांव छोड़ेंगे तो वो सैनिक मुझे फिर से उठाकर महल ले जाएंगे। कृपया करके मुझे यहीं रहने दीजिए। सुनो बेटी, अगर तुम्हारा कोई नहीं है तो तुम इनके साथ रह सकती हो बेटी। हमारे साथ? इसमें सोचने वाली क्या बात है, आपकी भी उम्र हो गई है, घर में रहेगी तो हाथ बटाएगी ना आपका। गांव वालों को अच्छा लगता है तो ठीक है, आ जाओ बेटी। क्या हुआ सीता, बहुत ही परेशान लग रही हो, क्या हुआ? माँ ने कुछ कहा? इतनी गहरी सोच में क्यों हो? मैं तुमसे नाराज हूँ। आखिर मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? माँ और मैं एक ही बात तो कहते आ रहे हैं, सबसे लड़ना, राजमहल के विरुद्ध जाना, ये सब क्यों करते हो तुम? सारे लोग बेचारे डरे हुए थे, इसमें मेरी क्या गलती है? ये तुम्हारा भ्रम है, राजमहल के लगान को छीनना, अनाज चावल छीनना, ये सब गलत है, ये राज्य के नियम के विरुद्ध है। वो सब मैं अपने घर नहीं लाता, जो जिसका है उन्हें लौटा देता हूँ, क्योंकि वो उन्हीं गरीबों का है। तुम ऐसा करोगे तो राजमहल का खजाना बढ़ जाएगा क्या? वो लोग जो कर रहे हैं वो गलत है तो तुम जो कर रहे हो वो भी गलत है। रात के वक्त सैनिकों को मुंह छुपाकर लूटते हो, अगर लूटना ही है तो अपना चेहरा दिखा दो ना। मैं वो सब कर सकता हूँ सीता, ये तो सिर्फ एक झलक है, लेकिन तुम राजमहल और राजा की तरफदारी क्यों कर रही हो? नहीं,
मुझे जो ठीक लगा वो कह रही हूँ। वैसे मुझे तुमसे प्यार भी तो है। सुनो, धीरे धीरे अपने सैनिक और गाड़ियां गायब हो रही हैं और साथ में सामान भी। जरूर इसमें किसी की चाल छुपी हुई है। सही कहा भैया, अब हम क्या करें बताइए। ये सब जानकारी प्राप्त करने के लिए राजमहल में कीड़ा उत्सव करवाना होगा। सब लोग गांव गांव जाकर इसकी सूचना पहुंचा दो। जैसी आपकी आज्ञा। सुनो सुनो सुनो, राजमहल में उत्सव होगा। सुनो सुनो सुनो, राजमहल में उत्सव होगा। सुनो सुनो सुनो, चित्रदुर्ग के प्रजाओं सुनो, चित्रदुर्ग में क्रीड़ा उत्सव है, उसमें कोई भी भाग ले सकता है। जिसे भी भाग लेना है वो राजमहल आ जाए। सुनो सुनो सुनो। सुना सुना तुमने, क्रीड़ा उत्सव में जीतने वाले को राजा के साथ भोजन और पुरस्कार भी मिलेगा। तुम जाओगे? जाने और लड़ने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, लेकिन हमें सैनिकों ने पहचान लिया तो। इसलिए तो कहती थी, सैनिकों के विरुद्ध लड़ने से अच्छा उनके सामने जाकर हाथ जोड़कर विनम्रता से बात करो। ऐसा मुमकिन है क्या? है मुमकिन। तुम हर एक खेल में हिस्सा लो और फिर पुरस्कार जीतो। तुम और तुम्हारे सभी साथी राजा की शाबाशी लो और विश्वास भी जीतो। अपनी परेशानी को दूर करने के लिए नायक जी के मन को जीतना जरूरी है। नायक? वो अपने घर का नायक है। तो मुद्दन्ना जी का दिल जीतो। वो बहुत बड़ा राक्षस है। ऐसे लोगों का दिल जीतना जरूरी है। क्यों? अंगुलीमाल का मन बुद्धा ने भी बदला था ना। जो भी सच्चाई से लड़ता है वही जीतता है। क्रीड़ा उत्सव में तुम और तुम्हारे साथी भाग लो और जीतो, बस यही मेरी इच्छा है। तुम जाओगे ना अपने साथियों को लेकर? बोलो ना, जाओगे ना? सारे लोग आ गए, शुरू करें। सुनो सुनो सुनो, इस क्रीड़ा प्रतियोगिता में सारे नए नए खेलों का आयोजन किया गया है और जो भी इस प्रतियोगिता में भाग लेगा और बाद में जीतेगा उसे हमारे नायक मुदन्ना जी राजा के हाथों से खास पुरस्कार दिलवाएंगे। तो सभी प्रतियोगी लड़ने के लिए तैयार हो जाएं और जीत हासिल कर पुरस्कार प्राप्त करें। और अब राजा जी इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। वो कह रहे खेल शुरू करना है। चल उठ जा बेटा, उठ जा, चल पहा दिखा। अरे नहीं, मुझे नहीं। अब तुझे इन कबूतरों को उड़ाना है। नहीं मां, नहीं नहीं। उड़ाना होगा बेटा, उड़ाते। अरे उड़ाना। उड़ाते बेटा। Thank you.
ए देवैया मजा आ रहा है मजा